नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की अहम खबर का। दीवार गिरने से मौके पर हुई एक व्यक्ति की मौत तथा एक की हालत गंभीर। रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर स्थानीय थाना रेहरा बाजार के अंतर्गत ग्राम सभा हुसैनाबाद ग्रंट के गजपुर मजरे में विगत दिनांक 1 जून 2021 की शाम को करीब 7:30 बजे एक दीवार गिर जाने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति की हालत बहुत ही खराब है। बताते चलें कि विगत शाम को गांव के मकसूद अली पुत्र मंजूर अली तथा पप्पू पुत्र छेदी जब दोनों अपने घर आ रहे थे तभी शमसुद्दीन की दीवार गिर गई, जिसके नीचे दोनों दब गए। दीवार लगभग 90 से 100 फीट तक तथा ऊंचाई लगभग 7 फीट, जिसकी चुनाई 4 इंच की थी। दीवार गिरने की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग मौके पर पहुंच गए तथा दीवार के नीचे दबे दोनों व्यक्ति को किसी तरह से बाहर निकाला। मौके पर ही मकसूद अली उम्र करीब 36 वर्ष की मृत्यु हो गई थी तथा पप्पू जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष थी की हालत बहुत ख़राब थी, जिसको किसी तरह सतीश चंद्र मेमोरियल हॉस्पिटल गोंडा ले जाकर भर्ती कराया गया, जहाँ पर उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित परिवार सहित पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। सूचना पाकर चौकी प्रभारी हुसैनाबाद मैं फोर्स के साथ तथा ग्राम प्रधान अफसर अली मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा लिया। जब सुबह इसकी सूचना उपजिलाधिकारी उत्तरौला नागेन नाथ यादव को दी गई तो उन्होंने बताया कि मैं तुरंत क्षेत्रीय लेखपाल तथा कानूनगों को मौके पर भेज रहा हूँ, जो भी हो सकेगा पीड़ित परिवार का सहयोग किया जाएगा। मृतक के भाई जहीर अली तथा गांव के कुछ लोगों ने बताया कि दीवार पहले से फटी व लटकी हुई थी, लेकिन कई बार कहने के बाद भी उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ब्यूरो चीफ बलरामपुर बसंत राम मौर्य की रिपोर्ट, पावर ऑफ जनाधिकार। अन्य खबरों के लिए देखते रहें पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। भाई साहब, आपका क्या नाम है? जहीर अली। जहीर अली? जहीर अली। जहीर अली, जो हुई है ये आपका भाई है? जी, बड़ा भाई है मेरा। ये हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? कल शाम को हमारे भाई उधर से गुजर रहे थे और दीवार गिरने से वो दब गए। उसमें उनकी किसकी दीवार थी? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, तो कितने लोग एक्सपायर हुए हैं? एक एक्सपायर हुआ है, एक घायल है। घायल है, उसका क्या नाम है? पप्पू मलिक। इस समय कहाँ पे है? इस समय गोंडा में भर्ती है। भर्ती है जी। इसके बारे में कुछ और कहना चाहेंगे आप? जी, बाकी और बाकी हमारे सबसे पूछ लीजिए गांव वाले। ये कोई प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी या कोई राजस्व विभाग का आदमी आया था यहाँ पे? दादा, क्या नाम है आपका? जफर मोहम्मद। ये बताइए, इस हादसे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ से सब आवट है, दोनों लड़के भैया अचानक दीवार गिर गए, दब गए, फिर दौड़ के निकाला गया, उसके बाद अस्पताल ले गए, अस्पताल से फिर वापस ले के आए। तो जो ये आदमी एक्सपायर हुआ है, ये यहीं पे हुआ कि हॉस्पिटल में? नहीं, अस्पताल रास्ते में ही है। रास्ते में ही? कहाँ कहाँ चोट लगी कुछ बताएंगे इसके बारे में? पेट से ऊपर पूरा सब चोट लगा, सीना उना में है। दादाजी, ये बताइए कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो दीवार लटकी थी या दीवार फटी हुई थी, इसकी सूचना कई बार जिनका दीवार था शमसुद्दीन को बताया गया था, इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ, वो का 5-6 चक्कर 2 साल में तो हम बताए हो, जो इसी रास्ता आवत थे उनके घरे रुक के साथ, लेकिन उन्हें इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? कौनों ध्यान नहीं दिए, दूसरे गांव के सब बतावत रहे। डेली उसको कह रहे थे कि डेली दीवार कह रहे थे तोड़ दो, लेकिन उन्होंने कुछ भी सुना नहीं। अगर समय से शायद सुन लिए होते समय से सुन लिए होते तो आज ये हादसा टल गया होता।